गांव गासर के पास काले शीशे लगी बोलेरो में सवार व्यक्ति ने पुलिस से किया झगड़ा, सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के निकटवर्ती गांव गासर के पास काले शीशे लगी बोलेरो में सवार व्यक्ति पूछताछ के बाद पुलिस से ही उलझ बैठा। समझाइश के बाद भी जब वह मरने मारने पर आमदा हो गया तो सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने शनिवार को बताया कि आरोपी गांव मेलूसर के मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को पुलिस गश्त के दौरान गांव गासर के पास काले शीशे लगी यूपी नंबरों की बोलेरो खड़ी थी, जिसमें सवार मुकेश कुमार से पूछताछ की गई तो वह पुलिस से ही उलझने लगा और मरने मारने पर उतारू हो गया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसकी बिना दस्तावेजों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ भालेरी और तारानगर थाने में तार चोरी के मामले दर्ज हैं। ये हम गश्त के दौरान इधर गासर से आगे जोड़े के पास में ये बोलेरो खड़ी थी, हमने गाड़ी रोक के इसको पूछा, नाम पता पूछा तो अपना नाम मुकेश, जाति जाट, निवासी मेलूसर होना बताया। इसके गाड़ी के कागजात मांगे तो बोला तुम कौन होते हो, गाड़ी के कागजात करने वाले मरने मारने पर उतारू हो गया, जिसको धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है, श्रीमान SDM साहब के पेश किया जाएगा। गाड़ी 207 में कोई कागजात नहीं था, यूपी नंबर की गाड़ी है।